अगर आप ये सोचते हैं कि YouTube पे वीडियोस देखकर या फिर ऑनलाइन स्टडी करके इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, या फिर आपसे कोई ये बात आके बोलता है कि ऑनलाइन वीडियोस देख के या फिर YouTube पे वीडियोस देख के आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। इससे आपका मोराल बूस्ट होगा और आपको समझ में आएगा कि जहां चाह वहां रहा। अगर आप चाहें तो आप घर पे बैठ के इन वीडियोस के थ्रू, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सिर्फ सिलेक्शन करवा सकते हैं, इवन अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। सो गाइस, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोगों को एक बेनिफिट बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को खैर पता ही है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनको बताता हूं कि ऑनलाइन स्टडी करने से और कोचिंग फिजिकली ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हम लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि हमारे पेरेंट बेवजह खर्च करते हैं, उसको बचा सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने पर कितना बड़ा अमाउंट लगता है, वी ऑल नो, ठीक है, वो पैसा बचाया जा सकता है। और दूसरा, घर पे रहकर पढ़ाई करने से बेनिफिट ये होता है कि घर का जो एनवायरमेंट है, मॉम डैड, घर का खाना, उन सब का बेनिफिट भी हम लोगों को मिलता है। सो ये सब चीजें हैं, हर चीज का फायदा हर चीज का नुकसान है, लेकिन इस केस में ज्यादा फायदा है, और घर पे बैठ के आप ज्यादा एकाग्रता से, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आप अपने एम के पक्के हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा लक्ष्य ये है और मुझे वहां तक जाना है, तो ऑनलाइन स्टडी बहुत ही अच्छी है, आपको हमेशा उससे फायदा ही मिलेगा, और ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाती है। जो लोग कोचिंग जाते हैं बेसिकली वो डिपेंडेंट रह जाते हैं कि हाँ, हमें कोचिंग जाके हमारा सिलेक्शन होगा या हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन स्टडी करने वाले ये बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि एक वीडियो देख के मैं कुछ भी सीख सकता हूं।